जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन ये तस्वीरें जंडियाला गुरु से सामने आ रही हैं। जब लोग सुबह घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं लेने के लिए बाजारों में निकले तो उन्होंने हमारे संवाददाता परमजीत से बातचीत के दौरान बताया कि इस कर्फ्यू के कारण उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो महज दावों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। वही दुकानदारों ने ये बताया कि उनके पास स्टॉक खत्म हो रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राशन आदि की सप्लाई पीछे से बंद कर दी गई है, जिसके कारण उन्हें भी लोगों को वस्तुएं मुहैया करवाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। सब तो बड़ी मुश्किल है कि समान पिछों नहीं आ रहा, लोग हाहाकार मची है। सरकार कहती घर तक पहुंचावांगे, घर तक की पहुंचना, इतने सौदा तो पिछों आ नहीं रहा। बस यो मुश्किल जी मेन सू जो सौदा हो दुकान जो अं दो घंटे दुकान खोलते हैं तो पुलिस वाले सू पता ही है वो की तंग करते हैं। हम पिछे चलान कटी जाते हैं, जहाँ एक कह रहे हैं कि तुम जरूरी वस्तुएं दो लोगों को, हम एक चलान कटी जाते हैं डर के मारे अभी शटर सुटता और की करी जाए। बस खंड वगैरह पत्ती वगैरह कुछ मिल नहीं रही, पिछों सप्लाई टुटी पी ना, सारी सप्लाई चैन टुटी है। कोई ट्रांसपोर्ट चलू तो माल आऊगा ना, उन्होंने भी कोई मसला नहीं होने सारा इदा ही। बस चौथा गेड़ा ही दुकान ते गाड़ी खड़े है, ना चाह ना पानी, न्याणे घर रोन डे, बेचारियां दे मुंह वाले वेखण डे। सरकार दे कहिंदी घर घर तुहाडे पहुंचावांगे, ते तुसीं मतलब किसे नूं कॉन्टैक्ट नहीं कीता? फुल देन चौदह पत्तर जा सानू राशन पहुंचाउण करी, हुण 8 बजे ते बैठे आके उहनां ते विचारिया ते जाऊगा ते देणगे दुकान च, ते न्याणे घर रोण डे मां मेटर। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਗੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ? ਆ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਗੰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਗੰਡ। ਮਤਲਬ ਸੌਦੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।